अस्सलाम वालेकुम फूडी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन शामी कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बोनलेस और विद बोन्स चिकन लिए, 600 ग्राम चिकन है ये। साथ ही मैंने 150 ग्राम चना दाल, यानी कि बंगाल ग्राम भी बोलते हैं इसे, वो लिया है। दो मीडियम साइज के आलू, इनको मैंने छील के रखा है। मसालों में मैंने लिया है 8 से 9 सूखी लाल मिर्चें, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 10 से 12 काली मिर्चें, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 काली इलायची, 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा अदरक का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुकर में दाल ऐड की है, उसके साथ ही 1 कप पानी ऐड किया है, और ये जो हमारे मसाले हमने लिए हैं वो सब ऐड कर देंगे इसमें। फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कबाब बनेंगे आपके। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। अब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेते हैं और इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। दाल हमारी आधी पक जाए इतना हमें इसे अभी पका लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी दाल आधी गल चुकी है। अब इसमें हम आलू ऐड कर लेते हैं और चिकन भी ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। अब लिड लगाकर 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर फ्लेम को लो करके 2 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब फ्लेम ऑफ करके इसका प्रेशर ठंडा होने तक इसे ऐसे ही रहने देंगे और फिर इसे खोल के देख लेंगे। सारी चीजें गल गई थी तो मैंने इसे निकाल के एक प्लेट में रख दिया ठंडा होने के लिए, और इसमें से मैंने आलू को सेपरेट कर लिया है और उन्हें एक बाउल में डाल के हम अच्छे से मैश करके ले लेते हैं। आलूओं को मैश करने के बाद मैंने चिकन को भी बोन से अलग कर दिया है, उसको श्रेड कर लेंगे ताकि पीसने में हमें आसानी हो। फ्रेंड्स, चिकन को श्रेड करके हम दाल के मिक्सचर में ही रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आलू भी मैश हुए हुए रखे हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने खड़ा गरम मसाला वो अलग कर लिया था ताकि हमें पीसने में आसानी हो, और चिकन को श्रेड करके भी मैंने दाल में ही ऐड कर लिया था। अब हम पहले गरम मसाले पीस लेते हैं। हमारे मसाले पीस गए हैं, अब हम चिकन और दाल का मिक्सचर भी इसी में ऐड करके पीस लेते हैं, और इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर हम इसे मैश पोटैटोज में हमारे ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मिक्सर जार का यूज़ किया है तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीसा है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप सब एक साथ डाल के इसे पीस सकते हैं, उससे काम आपका आसान हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैश पोटैटो और चिकन के मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और इसी टाइम पर हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी सीजनिंग भी, अगर हमें कुछ कम लगता है तो। अभी इसमें मैंने एक अंडा ऐड किया है, इसके साथ ही मैंने आधा कप प्याज, आधा कप धनिया के पत्ते, आधा कप पुदीने के पत्ते और 1 खाने का चम्मच अदरक का, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी मैं ऐड कर लेंगे इसमें, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, और इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस भी मिला लिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको तीखा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप धनिया पुदीने के साथ फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो इसके हम कबाब रेडी कर लेते हैं। हाथों में थोड़ा सा पानी लगा के हम इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। बस इसी तरीके से शेप दे के हम इसके कबाब बना लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, और जब भी आपका दिल करे तो आप इसे फ्राई करके बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लेते हैं, दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक जाए, हमें इतना इसे फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सिके हैं, बस इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ से भी इसे सेक लेना है।
तो ये देखिए हमारे चिकन शामी कबाब रेडी हैं। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करें, अफ्तार हो या सहरी, इसमें इंजॉय करें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।